कहाँ चले गई ये बगैर बताए? यही गई होगी, आप परेशान ना हो। सुल्तान भी गई है ना। हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे बेटा। किसके लिए ज्यादा बड़ा सरप्राइज हुआ, आपके लिए या मेरे लिए? राणा, हमारी बेटी तो बहुत तेज हो गई है, अब तो ये हमें भी डॉज दे जाती है। हमारी बेटी अब बची नहीं रही है, माशा से 20 साल की हो गई है। माशाल्लाह। आई लव यू बोथ। वी लव यू टू बेटा। शाम की दावत के लिए, सेटअप के लिए लोग आने वाले हैं, चलिए आप लोग अपना काम तमाम जो है वो मुकम्मल कर लें उससे पहले। ठीक है बीबी जी, बिल्कुल जी। अम्मा खुले, तुम कहाँ जा रही हो? जी मैं फ्रेंड्स के साथ बीच पर जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। गुले, आज शाम तुम्हारी बर्थडे पार्टी है, तुम कैसे जा सकती हो? आई नो मामा, लेकिन मैंने उनको प्रॉमिस किया था ना, प्लीज मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में। गुले मामा, लेट मी कीप माय प्रॉमिस, मैं आपसे भी प्रॉमिस करती हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन देर नहीं करना। ठीक है, मैं काम करती हूँ, कवल से कह देती हूँ कि आपकी हेल्प कर दे जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊँ। ओके थैंक यू मामा। ओहो गुले, तुम फिक्र ना करो, मैं हूँ ना, सब संभालूंगी, तुम बेशक जाओ। थैंक यू सो मच कवल, तुम इतनी स्वीट हो, इसलिए मुझे इतनी अच्छी लगती हो। अच्छा रेली? हाँ। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक काम था। क्या काम है? वो मैंने आज रात को तुम्हारे फंक्शन में किसी को इनवाइट किया, मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे को उसको तुमने इनवाइट किया। मैं समझी नहीं। अब देखो ना, अगर अम्मी अब्बू को पता चला कि तुम्हारे फंक्शन में मैंने अपने किसी गेस्ट को बुलाया तो बहुत डांटेंगे, और शायद तौकीर चाचा और राणा चाची को भी तो ये बात अच्छी नहीं लगे ना, और अगर तुमने बुलाया हुआ तो कोई कुछ भी नहीं कहेगा, प्लीज। लेकिन वो है कौन कवर? मिलवाऊंगी ना, इसीलिए तो इनवाइट किया, प्लीज। अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच, तुम कितनी अच्छी हो ना, तुम्हें पता है कोमल से ज्यादा तुम मुझे मेरी बहन लगती हो। मुझे भी, चलो मैं चलती हूँ, बाय। तो आप आ रहे हैं? Obviously, नहाने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। कवल, आपसे मुझे एक मशवरा करना था। जी पूछिए। मैं सोच रहा था कि गुलेनूर के लिए क्या गिफ्ट लिया जाए, अगर आप मुझे कुछ उसकी पसंद और नापसंद के बारे में बता सकें। क्या मतलब, आप गुले के लिए गिफ्ट क्यों लाएंगे? क्योंकि गुलेनूर की बर्थडे है इसलिए। अच्छा थोड़ा ही लगेगा अगर खाली हाथ आपके घर आऊँ। ओफो, आप तो बिल्कुल अकल से पैदल लगते हैं मोइस। गुले की सालगिरह तो एक बहाना है मेरे और आपके मिलने का, और मैं चाहती हूँ कि आप अम्मी से भी मिलें। और आप गुले के लिए तोहफा ला रहे हैं, तो फिर आप क्या सजेस्ट करती हैं? आपको जो कुछ भी लाना है मेरे लिए लाना। हाँ लेकिन असली तौर पर तो मुझे गुलेनूर के लिए गिफ्ट लेकर आना चाहिए ना, बर्थडे तो उसकी है। जब आपकी बर्थडे आएगी तो मैं आपको भी गिफ्ट दे दूंगा, व्हाटएवर यू से। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप मेरे बजाय किसी और को गिफ्ट दें, और वैसे भी मैं आपको गुले की बर्थडे मनाने के लिए नहीं बुला रही, समझे आप? किससे बात कर रही थी आप? काले चोर से, आपको इसे मतलब? हमने ऐसा क्या पूछ लिया कि आप इतनी आग बगोला हो रही? हमारा अंदाज ही कुछ ऐसा, और वैसे भी हम नौकरों को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाते। माफ कीजिएगा, हमने तो आपके घर में कभी नौकर नहीं देखा। सुल्तानी भी? कवर क्या हुआ, तो परेशान क्यों हो रही हो? सुल्तानी भी क्या हो रहा है ये? राणा चाची देखे ना, सुल्तानी भी ने मुझे इतना बड़ा ताना दिया, ये कह रही है कि तुम्हारे घर में नौकर नहीं है। सुल्तानी भी, आप भी ना बच्चों के साथ बिल्कुल बच्ची बन जाती है। माफी चाहते हैं जी। तो के चाचू को आने दे, मैं सब बताऊंगी। हमारी बला से, आप भले कोतवाल से जाके कहें। देखा आपने, सुल्तानी भी बस जी। आपको पता है राणा चाची, मैंने गुले के लिए इतना प्यारा बलून अरेंजमेंट करवाया। हाँ मैं देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा है, और पता है गुलनूर भी देख के बहुत खुश होंगे। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, उसको कॉल करके जल्दी बुला लेती हूँ। सुल्तानी भी चले जरा जी। खुले को खुश करने के लिए, उन्हें क्या पता कि अरेंजमेंट मैंने किसी और को खुशामदेद कहने के लिए करवाया। ये क्या तुम खड़ी कोने में उस जवान जहान लड़के के साथ खुसर पुसर कर रही थी?
अगर कोई देख लेता तो क्या सोचता तुम्हारे बारे में? I like you the day since I saw you. मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं और मैं चाहता हूं कि मैं अपने पेरेंट्स को आपके पेरेंट्स से मिलवाऊं। Happy birthday to you. Happy birthday, Diego. Happy birthday to you. Thank you. चलो केक निकालो। अरे ये यहाँ भी आ गया। कौन? मुझे कैमरे लिए। तुम इसे जानती हो? हाँ, पता नहीं हर जगह मेरे पीछे पीछे आ जाता है। ये कौन है? इसे मसला क्या है? मैं पूछ कर आती हूँ। नहीं छोड़ो। अरे वो तो यहीं आ रहा है। आई एक्सक्यूज मी। एक बात बताएं, आपको कैसे पता चलता है मैं कहाँ हूँ? कैसे आ जाते पीछे पीछे? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे होंगे, जस्ट अ कोइंसिडेंस। एंड सेकंडली अब मुझे ये बताएं, उस लाइब्रेरी में आपको हो क्या गया था? आई मीन आपने इतना रूडली बिहेव किया, आपको क्या लगता है मैं कोई ऐसे वैसे लड़का? प्लीज यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स नाउ। मिस्टर आप इन्हें जानते नहीं हैं, ये आपको दो मिनट में अंदर करवा सकती हैं। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर हैं कौन जो एंजल की तरह हर जगह मेरे सामने पहुँच जाती हैं। सो वियर्ड, आज इनका बर्थडे है इसलिए हम आपको छोड़ रहे हैं, वरना आप जरूर देखते। देखने ही तो मैं चाहता हूँ। By the way, happy birthday. मैं strangers से wishes नहीं लेती। We're not strangers anymore. हम दो तीन दफा पहले मिल चुके हैं। So quickly tell me where's the party and what time? सामने वाले थाने में पार्टी है, 15 मिनट बाद आ जाएगा। Very funny. अच्छा आप जाइए। Can I take one picture? आप जाते हैं, मैं किसी को बुलाऊं? Alright, I'm sorry. Bye. Happy birthday. Weirdo. वैसे लड़का अच्छा है। आज शाम की पार्टी में से बुला ही लेते हैं। चलो। चलो केक निकालो। Okay. हाँ, मेरे लिए भी निकालो। और मुझे चॉकलेट। एक बात बताएं, आपको कैसे पता चलता है मैं कहाँ हूँ? कैसे आ जाते पीछे पीछे? मैं स्ट्रेंजर्स से विशेस नहीं लेती। हो गया? कहाँ की तैयारी है भाई? एक खास जगह जा रहा हूँ, किसी इम्पोर्टेंट इंसान की बर्थडे। उसी लड़की की? एक तो ये फोन नहीं उठा रहा। कौन? आपका भांजा अबान। और कौन? मैं सोच रहा था कि उसको भी साथ ले जाता। देखा ना, ऑकवर्ड लग रहा है ना तुम्हें अकेले जाते हुए, इसीलिए मना कर रही थी। मत चलाओ ये फजूल चक्कर। मॉम मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, अब उस लड़की तक पहुंचने के लिए कुछ तो करना होगा ना। मुझे तो उसकी कजिन पे रहम आ रहा है, वो तुम्हें धोखेबाज समझेगी। मॉम मैं उसे सब कुछ क्लियर कर दूंगा, आप बस मेरी हिम्मत बढ़ाएं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसी गलत चीजों में मैं तुम्हारी हिम्मत बिल्कुल नहीं बढ़ाऊंगी। हिम्मत नहीं बढ़ा सकती तो दुआ तो दे सकती है ना। आपके भांजे का भी कुछ ज्यादा पता नहीं, ये काम खुद ही करना पड़ेगा। पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। मामा मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत, बिल्कुल जन्नत की हूँ जैसी। मामा अभी जन्नत में जाने में टाइम है मुझे।
ऐसी फजूल बातें कर रही हो, अल्लाह करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। इतने खुशी के मौके पे ऐसी बातें खुदा के वास्ते ना करूं। क्या बात है, आप किस खुशी में अपनी उम्र गिफ्ट कर रही हैं? भाई हर एक ने अलग अलग अपनी उम्र जीना है, अल्लाह पाक आपको भी उम्र खजर अता करे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। सुल्तानी ये क्या कर रही हैं आप? साहब हासिदों की नजर बहुत बुरी होती है, और आज के दिन तो हमारी गुड़िया रानी ने हमारी जिंदगियों को रौनक बख्शी थी माशाल्लाह, इसलिए ये अमल बहुत जरूरी है। अल्लाह पाक आप सबको हासिलों की नज़र से महफूज रखे। सुल्तानी भी बस बहुत हो गया है, बाहर सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, आप जाएं, हम अभी आ रहे हैं। जी जी जी, अल्लाह पाक अपनी अमान में रखे। हाँ चलें चलें। भाभी मैं गिफ्ट लेकर आई थी नूर के लिए, ये लो नूर बेटा तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू ताई अम्मी। भाभी आपने ऐसी तकल्लुफ किया तो घर की बात थी। अरे भाई साहब आप भी अब हमें हमारी कमाईगी का एहसास दिलाएंगे? इस घर के मुलाजिम तो पहले ही इस काम में ताक हैं। खुदा न खास्ता आपको किसी ने कुछ कहा है, आप मुझे बताइए, अभी निकाल बाहर करूंगा। हाँ नहीं नहीं खैर अब छोड़िए, खुशी का मौका है, उनसे तो हम फिर किसी और रोज हिसाब बराबर कर ही लेंगे। भाभी चले चले। उमर साहब बड़े एक्सपीरियंस आदमी हैं, बड़े अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं, अच्छा। कई यूनिवर्सिटीज के प्रोजेक्ट कर चुके हैं। जी ठीक कहा आपने। वैसे राणा आपकी स्मार्टनेस एंड ब्यूटी आज भी कोई 22 साल पुरानी है, भाई हमें भी तो सीक्रेट बताएं इस एवरग्रीन ब्यूटी का। वाकई में बता दूं मैं आप दोनों को? जी जी बिल्कुल। अच्छा एक सेकेंड, तौकीर यस स्वीटहार्ट, तो तुम ये है मेरी खूबसूरती का राज। अच्छा पता है जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है ये कि इंसान को ऐसा शौहर मिले जो इतनी मोहब्बत और इतने प्यार से रखे। असल बात ये है जनाब, राना खुद इतनी खूबसूरत हैं कि हमारी जिंदगी में आके इन्होंने हर चीज़ रोशन और खूबसूरत बना दी, और इनकी तरफ से सबसे खूबसूरत और कीमती तोहफा है हमारी गुले राना। और ये घर हमारी छोटी सी जन्नत है। ओहो तो किसी का वेट हो रहा है, वो नहीं आएगा। चलो अंदर। वो आएगा और जरूर आएगा, और ये जो तुम्हारी जादुई मुस्कुराहट है ना उसके आते ही जादू कितना गायब ही हो जाएगी। अरे ये मोहब्बत भी कैसा कमबख्त रिश्ता होता है ना, तुम जिस इंसान को जानती तक नहीं उसके लिए अपने सगे रिश्तों की काट कर रही हो। चलो सब तुम्हें अंदर बुला रहे हैं, अम्मी अबू ढूंढ रहे हैं तुम्हें। मुझे मुझे क्यों? केक कटने की तैयारी हो रही है, चलो फाड़ में जाके। जब तक मोइज़ नहीं आएगा मैं नहीं आ रही, तो कॉल कर लो ना उसे। की थी ना कॉल, पर वो पिक नहीं कर रहा, मेरे ख्याल से ड्राइव कर रहा होगा। बढ़िया क्या कर रही हो? अंदर चलो ना, गुल्लू इंतजार कर रही है तुम लोगों का। जी जी आ रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। A very happy birthday to you. Thank you. But I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं मोइज, हम पहले मिल चुके हैं। Familiar तो आप लग रहे हैं, शायद कहीं मिले हों। गुले ये मेरे फ्रेंड है,
याद है जो मैंने बताया था मेरे गेस्ट आने वाले हैं? ये वही है मोइज, और मोइज ये गुले है मेरी कजन। It's always a pleasure to meet you. अच्छा तो आप कवल के गेस्ट हैं। Nice to meet you, Mr. Moiz. मोइज बात सुनेंगे? आइए यहाँ आ जाए। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? सब खैरियत? जी खैरियत है। वो एक्चुअली मैं आपको थैंक यू करना चाह रही थी। अब मुझे वाकई यकीन होता जा रहा है। किस बात पर? यही कि आप बहुत सीरियस हैं। कमल एक्चुअली मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए ना आप। वैसे मैं वो क्या कहते हैं हमतन गोश, मैं हमतन गोश हूँ। कमल आपको मेरे बारे में ना कुछ गलत फहमी हुई है, एंड आई वांट टू क्लियर इट आउट। कैसी गलत फहमी? एक्चुअली कमल बात यह है कि मैं अम्मी ये मोइज़ है गुलनूर के फ्रेंड, और मोइज़ ये मेरी वालदा है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अकेले आए हैं? जी अम्मी अकेले आए हैं। एक्चुअली वहाँ सब में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, तो गुल्ले ने कहा कि मैं इनको यहाँ कंपनी दे दूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग भी वहीं चलो, खाना लगने वाला है। सही है, चले हम खाना लग गया। आप लोग चलिए, मैं एक कॉल करके आता हूँ। चलो बेटा। हेलो, कहाँ रह गया तू? कब से तुझे कॉल कर रहा हूँ। मैं जरा बाहर तक गया था। क्या हुआ, खैरियत तो है? कोई इमरजेंसी तो नहीं हो गई? हाँ यार, बहुत बड़ी इमरजेंसी। अच्छा, तेरे भाई को मोहब्बत हो गई? हाँ, ये मोहब्बत मुझे उसके घर तक ले आई। यार अब वो मेरे सामने है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। करना क्या है, जा उसे प्रपोज कर दे। अरे ऐसे कैसे जाकर प्रपोज कर दूँ? इसलिए तो मैं तुझे अपने साथ लेकर आना चाहता था, ताकि तू तो मेरी हिम्मत बढ़ाता। यू आर माय विंगमैन ब्रो। अच्छा, तू उसके घर तक पहुंच गया, तुझे किस चीज की हिम्मत की जरूरत है? बस इसी सपोर्ट की जरूरत है मुझे, कुछ करता हूँ। अच्छा मुझे ये बता कि आखिर है कौन? तू बस जल्दी से आ जा, डिटेल में बाद में बताऊंगा। ओके बाय। Excuse me. नूर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए। एक्चुअली नूर, मैं यहाँ पर किसी और की वजह से नहीं, बल्कि आपकी वजह से आया। मैं समझी नहीं। नूर, मैं आपको प्रपोज करना चाहता हूँ। जी इधर आओ, जरा बात सुनो मेरी। ये क्या तुम खड़ी कोने में उस जवान जवान लड़की के साथ खुसर फुसर कर रही थी? अगर कोई देख लेता तो क्या सोचता तुम्हारे बारे में? वो अम्मी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं मोइज के साथ बिला वजह नहीं खड़ी थी। क्या मतलब? ये जो कुल्लू के फ्रेंड है ना मोइज, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अपने माँ बाप के इकलौते बेटे। इन्होंने एक दो दफ़ा ना मुझे गुले के साथ देखा था। इन्हें मैं बहुत अच्छी लगी हूँ। वो चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स को हमारे घर लेकर आएं, ताकि आप लोग मिलकर बात कर सकें। ये तो अच्छी खबर है। लड़का भी ठीक ही लगता है, किसी शरीफ ख़ानदान का है, तभी तो माँ बाप को लाने की बात कर रहा है। जी अम्मी, अम्मी आप मुझसे कहें ना कि वो जब चाहे अपने वालदैन को हमारे घर ला सकता है।
बल्कि आप खुद उसे इनवाइट कर लेना। ठीक है, मैं खुद ही मोहित से बात करती हूँ। थैंक यू मम्मी। देखिए नूर, आई लाइक यू द डे सिंस आई सॉ यू। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को आपके पेरेंट्स से मिलवाऊं। एक्चुअली मैंने इस बारे में सोचा नहीं आज तक, और आई एम सॉरी पर मुझे याद नहीं आ रहा कि हम कहाँ मिले हैं। मुझे अभी शादी नहीं करनी, बल्कि मुझे कभी भी शादी नहीं करनी। आई एम सॉरी नूर। मेरी मुइज़ बेटा, मुझे सब कुछ पता चल गया। जी मैं कुछ समझा नहीं यार। कुछ नहीं, तुम किसी दिन अपने पेरेंट्स को लेकर आओ ना हमसे मिलवाने। जी आंटी, बहुत जल्द। हाँ ना बेटा, नेक काम में देर कैसी। किसी दिन लेकर आओ अपनी अम्मी को, हमें उनसे मिलके बहुत खुशी होगी। ठीक है आंटी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या किस किस्म की बातें कर रही हैं? तुम ये जताना चाहती हो कि तुम इस घर की इकलौती मालकिन? आप इस तरह गैरु जैसी बातें क्यों कर रही हैं? मामा, क्या वो तौकीर? क्या हो गया मामा को? ऐसे थोड़ा होता है कि घर के दरवाजे पे गुलराना लिख दिया जाए तो घर उसका हो जाएगा। ये तो वही बात हुई कि किसी बड़ी सी सड़क पर किसी के नाम की तख्ती लगा दी जाए और कहा जाए कि ये उसकी मलकियत है। ऐसा तो नहीं होता ना। ये घर मेरे मरहूम ससुर की मलकियत था और उनकी वफात के बाद अब जितना ये तौकीर भाई का है उतना ही मेरे शौहर जहांगीर का है। अब आप इसे हमारा बड़ापन समझिए कि नीचे वाला आलीशान पोर्शन हमने उनको दे रखा है और खुद हम ऊपर की काल कोठरी में रहते। वैसे हमने तो सुना था कि ये घर तौकीर भाई को विरासत में मिला है, जो कि उन्होंने गुलेराना के नाम कर दिया। कानूनी तौर पे आज भी गुलेराना की ही मलकियत है। वो कहते हैं ना कि झूठ इतना फैलाओ कि सच लगने लगे। अब घर के बाहर मेरे नाम की तख्ती लगा दी जाए तो क्या ये कानूनी तौर पर मेरी मलकियत हो जाएगा? नहीं ना। भाभी क्या किस किस्म की बातें कर रही हैं? आपने ये भी नहीं सोचा कि इस बात से तौकीरों में कितना हर्ट होंगे? तुम क्या कहना चाह रही हो राना? मैं झूठ बोल रही हूँ? गुमराह कर रही हूँ इन लोगों को? तुम ये जताना चाहती हो कि हम तुम्हारे रहमो करम पर रह रहे? क्या बात है, आप इस तरह गैरु जैसी बातें क्यों कर रही हैं? क्या हुआ है? ये आप अपनी चहेती राना से पूछिए कि गैरियत की बातें कौन कर रहा था और अपनायत की कौन। यहाँ हमें बेइज्जत करना मकसूद था। भाभी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है आपसे। आप खामा खैमा ना बात का पतंगड़ बना रही हैं। ये आप लोग किस बहस में पड़ गए हैं? जो कुछ भी है राना वो हम सब का है, हम अलग अलग नहीं है। ये अपने पराई की बात कहाँ से आ गई है? यही तो मैं कह रही थी तौकीर भाई, राना ने आके काट कर दी मेरी। अब आप बताइए क्या हकीकत नहीं है कि ये घर हम सबका है? हाँ बिल्कुल। अरे राना। मामा क्या हुआ तौकीर? क्या हो गया मामा? तौकीर पानी लेके आए। प्लीज बहुत बड़ा पानी लिया। बेटा तुम्हारी मामा अभी भी बिल्कुल ठीक हैं। जरा सा ब्लड प्रेशर हाई हुआ था, नाउ शी इज फाइन। पीपी ऐसा तो हाई नहीं होता, ताई अम्मी की बातें ऐसी कि भाई ये दवाएं जो डॉक्टर ने लिखकर दी थी, भाभी को घर जाने की इजाजत कब मिलेगी? आज तो ऑब्जर्वेशन में है, कुछ टेस्ट भी लिए हैं, रिपोर्ट आने तक तो रुकना होगा। भाई आप घर चलें, मैं हूं राना के पास। ठीक है गुले बेटा, फिर आप मेरे साथ घर चलो। नहीं तैबू, मैं मामा के साथ ही रहूंगी। जब मामा घर जाएंगी तभी मैं घर जाऊंगी। भाई आप चलें, हमारी बेटी हमारे साथ ही रुकेगी। ठीक है फिर, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। और बेटा मामा के पास। मामा ठीक हो जाएंगी ना जल्दी? अच्छा
ये तो बड़ी परेशानी की बात है। मेरा ख्याल है कि मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। तुम्हें गुले ने अपनी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट भी नहीं किया था, तुम किस रिश्ते से जाओगे? मैंने बुलाया था तुम्हें उसकी बर्थडे पार्टी पर। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। वैसे कैसी हैं तुम्हारी चची अब? ठीक ही होंगी। वैसे तुम्हें एक बात बताऊँ, मेरी चची ना जरा नाजुक मिजाज है। उनको ये ड्रामे करने की ना बहुत पुरानी आदत है। और हॉस्पिटल वालों को तो तुम जानते ही हो, अच्छे भलों को मरीज बनाकर भर्ती कर लेते हैं पैसों के चक्कर में। हाँ, ये तो है। वैसे गुलनूर काफ़ी परेशान होगी। तुम्हें गुलनूर से इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। अच्छा प्लीज मुझे बताना जरूर कि आंटी की तबीयत कैसी है। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, लगता है वो आ रहे हैं। क्या जरूरत थी इस तरह भरी महफिल में ऊंची बात कहने की? पहुंचा दिया ना उस गरीब को हॉस्पिटल। आपका बस चले ना तो उस गरीब के लिए मुझे फांसी चढ़ा दे। और मैंने कौन सी ऊंची बात की? चार लोगों के सामने सिर्फ इतना कहा कि इस घर में रहने का हक हमारा भी है, खाना बदोशों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, और अपने लिए नहीं आपकी इज्जत के लिए कहा जो कहा। पर राणा की हिमायत में तो आपको मेरी कोई बात नजर ही नहीं आती। झूठी इज्जत ज्यादा रास नहीं आती। ये हकीकत है कि हम इस घर में खाना बदोश हैं। तौकीर और राणा ने हमारे हालात देखकर हम पे तरस खा के सर छुपाने की जगह दी है। हम एहसान मंद हैं उनके। अब देखो कब मेरा डूबता हुआ कारोबार फिर संभल कर अपने कदमों पर आता है, कब हम इस काबिल होंगे कि मैं तौकीर और तुम राणा की बराबरी कर सको। मैं किसी की बराबरी नहीं कर रही, मैं तो राणा को अपने बराबर समझती नहीं हूँ। इस खुशफहमी में आप रहिए, मैं हकीकतों में जीती हूँ। मेरी बेटियाँ बड़ी हो रही हैं, जब उनके साथ खड़ी होती हूँ तो सर उठाकर उनको देखना पड़ता है। मुझे अपनी बेटियों को अच्छे घरों में ब्याना है, उसके लिए मैं आपके कारोबार के सेट होने का इंतजार नहीं कर सकती। ऐसे में तो उनकी उम्रें निकल जाएंगी, समझे आप? मजा आ गया। क्या क्लास लिया अम्मी ने राणा चच्ची की। खाक मजा आया, सारा मजा खराब कर दिया अम्मी ने। अम्मी को भी यही मौका मिला था तमाशा करने के लिए। क्या इंप्रेशन पड़ा होगा मुझ पर मेरा। तुम्हें क्या सिर्फ हर वक्त अपनी पड़ी रहती है? मुझे तो ये खुशी हो रही है कि गुले की सारी पार्टी खराब हो गई। तो मेरी भी तो सारी प्लानिंग खराब हो गई ना। और उस मुइस को तो देखो, उसे तो गुले से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी हो रही है। फोन पे पूछा था कैसी हैं आंटी, हॉस्पिटल का पता दो। भाई उसका क्या काम हॉस्पिटल में? वैसे अम्मी की कोई गलती नहीं है, उन्होंने सिर्फ वो ही कहा जो सच था। अब इससे राणा चाची का बीपी हायो या हार्ट अटैक हमारी बला से, और एक है हमारे अब्बू, उल्टा अम्मी को ही डांट दिया। तुम फिक्र मत करो, एक दिन आएगा हम लोग इनसे गिन गिन कर बदले लेंगे, और वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है इंशाल्लाह। What's going on, bro? Hey, what's up? Good. क्या कर रहा है? कुछ नहीं, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। अच्छा, मुझे भी तो दिखा। नहीं 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 नहीं, of course उसको complete करने दे, फिर सब दिखा दूँगा। पूछेगा नहीं कि मैं क्यों आया? इसमें पूछने वाली क्या बात है? देख, भूत और बुरा वक्त कभी भी कहीं भी आ सकता है। हाँ ये तो है। क्या तुझे पता मैं सब बहुत बुरा हूँ। क्या हुआ? प्यार का जवाब थप्पड़ से मिला? मुझे लगता है कि तू अपने भाई को बहुत इजी लेता। प्यार का जवाब तो खैर प्यार से मिला, लेकिन यार उसकी वालदा बीमार हो गई। तो तू कहना चाह रहा है कि तेरे मनहूस कदम वहां पे भी पड़ गए, तू गया और तबाही आई। इट्स नॉट फनी। आई नो, आई अंडरस्टैंड। अच्छा ये फजूल बातें छोड़, हमें मेरी होने वाली मदर इन लॉ का जाकर हॉस्पिटल पता करना। देख, मदर इन लॉ तेरी होंगी, मेरा क्या काम है यार, तू जा। कोर्स तेरा काम है यार, मॉरल सपोर्ट भी कोई चीज होती है कि नहीं। उठ यार, वी आर गेटिंग लेट, गेट रेडी। देख अगर मैं गया तो आई विल गो लाइक दिस, अदरवाइज आई वोंट गो। मेरे भाई इसी तरह चला चले, जस्ट गेट अप। अच्छा ठीक है,
एक काम ये भी करते हैं कि रास्ते से एक अच्छा सा बुके ले लेते हैं, फूलों से इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तेरी इन्हीं बातों की वजह से मैं तुझसे इतना इंप्रेस हूँ, ये क्वाइट एक्सपीरियंस। हाँ अच्छा, मैं अपना फोन लेकर आता हूँ एंड देन आई एम कमिंग। और मैं तेरा गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। ओके लीजिए भैया, हमने आपका सारा हिसाब चुकता कर दिया, फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो साहब के आने पर अदा कर देंगे हम आपको। अब आप जाइए और सुनिए, हमारी बेगम साहिबा के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहब। साहब सब खैरियत तो है ना? हाँ सुल्तान भी, अल्लाह का शुक्र है सब खैरियत है। और हमारी बेगम साहिबा तो ठीक है ना? डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन दिया है, फिलहाल रेस्ट कर रही है। शुक्र है अल्लाह का। और बिटिया? गुले बहुत परेशान है सुल्तान भी। परेशानी की बात तो है ना साहब, जिस चीज से हम बिटिया को बचाना चाहते थे वही बात खुल के उनके सामने आ गई। माँ की बीमारी के बारे में जान लेना उनके लिए बहुत बड़ा सदमा है। अगर हमारी जरूरत है तो हम वहाँ आ जाएं साहब। शुक्रिया सुल्तानी भी, आप अपनी बेगम साहिबा के लिए दुआ करें और उनके घर का ख्याल रखें बस। जी जरूर, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। न जाने हमारे घर की खुशियों को किन हासिदों की नजर लग गई। तौकीर अंकल। कौन है जावेद? सलाम अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं मोईज़ हूँ, आंटी की तबीयत का पता करने आया था। कैसे हैं वो? अल्लाह का शुक्र है, अब हमारी बेगम साहिबा बिल्कुल ठीक है। तो घर आ गई हैं वापस? अरे नहीं बेटा, अस्पताल वाले इतनी आसानी से जान थोड़े ना छोड़ते हैं। और नूर? गुले बिटिया, वो भी वहीं पे है अस्पताल। अच्छा, अगर आप मुझे काइंडली हॉस्पिटल का नाम बता दें तो I'll be grateful to you. हाँ हाँ क्यों नहीं, ये सड़क खत्म होती है ना जहाँ नुक्कर पे बड़ा सा अस्पताल है, बहुत महंगा वाला, वहीं इलाज चल रहा है हमारी बेगम साहिबा का। अच्छा, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, जीते रहिए। कौन था? काला चोर था, आपकी बला से? मेरी बला से नहीं, मेरी जूती से। क्या कहा आप? कुछ नहीं, वो अम्मी कह रही थी आज आपको कोई काम तो होगा नहीं तो आके हमारे पर्दे धो दें। आपसे ये किसने कह दिया कि हमें कुछ काम नहीं? हम अपनी बेगम साहिबा की सलामती के लिए या सलामों का वजीफा कर रहे हैं, आप दोनों बहनें भी आ जाएं तो वजीफा जल्दी खत्म हो जाएगा। नहीं, हम ऊपर अपना वजीफा कर रहे हैं चाची के लिए, आप अपना पढ़ें। अम्मी कहाँ जा रही हैं आप? अस्पताल। क्यों? वो तुम्हारा गुलामाना खसलत का बाप है ना, मेरे पीछे पड़ा हुआ कि मलका आलिया के दरबार में हाजिरी दो और अपने किए की माफ़ी मांगो। तो आप माफ़ी मांगेंगी? माफ़ी मांगती मेरी जूती, मैं जा रही हूँ ना, बस इतना काफ़ी है। अम्मी मैं भी चलूँ? तुम्हारा दिमाग ख़राब है, अस्पताल में लड़कियाँ जाती हैं, मैं किसी लॉन की नुमाइश में जा रही हूँ जो तुम्हें साथ लेके चली। अम्मी समझा करें ना, वहाँ गुले भी होगी और यही तो मौका होता है ना गुड बुक्स में आने का। प्लीज़ ना अम्मी मैं चलूँ? कहते तुम ठीक ही रही हो। अच्छा जल्दी से आ जाओ। ठीक है, मैं दो मिनट में आ रही हूँ। सही है, कैसी हैं आंटी? बाबा कह रहे हैं कि बेहतर है। चलें ये तो अच्छी बात, आप ठीक हैं? जी, आप कमल के साथ आए हैं क्या? नहीं, मैं एक्चुअली आपके घर गया था, वहाँ से पता चला कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, शी स्टिल इन द हॉस्पिटल, तो सोचा चलकर पता कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग। आपने कुछ खाया? मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। नहीं नहीं थैंक यू। ये मैं आंटी के लिए लेकर आ।
थैंक्स।